वेलकम थ्री का अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज हो गया है और इस सीक्वल को लेकर लोगों में उतनी ही खुशी है जितनी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच वाले दिन बारिश आने से हुई थी। बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी फिल्म द ओजी वेलकम की यादों को और बर्बाद करने का एक और अटेम्प्ट है वेलकम थ्री, जिसको नाम दिया गया है वेलकम टू द जंगल। ये क्या है? ये क्या है नहीं, ये बोलो कि ये क्यों है और इसकी जरूरत क्या थी। नहीं मतलब लोग अभी फिलहाल बॉलीवुड के पुराने गम को भूलकर गदर 2, ओएमजी 2, जवान जैसी फिल्मों की वजह से थोड़ा खुश होना शुरू ही हुए थे कि इन लोगों से वो भी सहन नहीं हुआ और ये कॉमेडी डोज के नाम पर हमारे ऊपर गोबर बॉम्ब डाला है ना, भगवान माफ नहीं करेगा। वैसे मुझे नहीं पता कि गोबर बॉम्ब जैसी चीज होती भी है कि नहीं, वैसे ही जैसे लोगों को नहीं पता कि अहमद खान की फिल्म में कॉमेडी होती है या फिर नहीं। और इन अकल के अंधों को लगता है कि जुमानजी वेलकम टू द जंगल से वेलकम टू द जंगल उठा लेंगे, जिसमें फॉन्ट तक चेंज करने की जहमत ये नहीं करेंगे और लोगों को परोसेंगे कि वाह ब्लॉकबस्टर कमिंग, क्योंकि लोग तो पागल है, उन्हें तो कुछ समझ आएगा नहीं। कंट्रोल उदय, भाई कैसे कंट्रोल करें जब हमें पता चले कि इस फिल्म को वन एंड ओनली कॉमेडी के लेजेंड फराज सामजी ने लिखा है और डायरेक्शन अहमद खान का होगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। और इसे वेलकम थ्री नहीं, धमाल प्लस गोलमाल प्लस हेरा फेरी प्लस हाउसफुल एंड थोड़ा सा कपिल शर्मा शो बुलाओ यार, क्योंकि वेलकम तो उदय और मजनू की जोड़ी के बिना अधूरी है। सच बताना, क्या आप वेलकम को बिना उदय शेट्टी और मजनू भाई के देख पाओगे? सीक्वल्स के इस मौसम में एक और अनवांटेड सीक्वल की बारिश आपको मुबारक हो। दुनिया भर की जनता को इस फिल्म में ले लिया, लेकिन मजनू भाई और उदय शेट्टी को भूल गए, जबकि वेलकम सिर्फ उन दोनों की वजह से ही लोगों के दिलों में है। क्यों इन लोगों ने ऐसा क्यों किया? जा पूछ क्या? हेरा फेरी 3 का दुख कम था जो ये वेलकम 3 को भी बर्बाद करने के लिए इस फिल्म को भी फराज सामजी और अहमद खान के हाथों में दे दिया। भैया मैं तो खुद बर्बाद हो गया। एक बर्बाद सीक्वेंस का सरदार है और एक व्हाट्सएप जोक्स यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल, और उनको दे दिया है एक आइकॉनिक कॉमेडी फिल्म का सीक्वल बनाने का जिम्मा, वो भी इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ। पैसा बर्बाद बहन। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये फिल्म है या 4-5 फिल्मों की खिचड़ी, जिसमें अक्षय कुमार के साथ साथ मुन्ना भाई और सर्किट को ले लिया, गोलमाल से श्रेयस तलपड़े और तुषार को ले लिया, फैमिली मैन वाले शारिब हाशमी को ले लिया, कॉमेडी के धुरंधर परेश रावल, राजपाल यादव, जॉनी लीवर को ले लिया, कपिल शर्मा शो से कीकू और कृष्णा को ले लिया, और थोड़ी बहुत बर्बाद करने में कसर रह गई थी तो मीका और दलेर मेहंदी को भी उठा लिया। भाई ये लोग तो ना जाने दुश्मन को भी टफ कंपटीशन दे रहे यार। और फीमेल एक्ट्रेस की तो क्या मजाक बना, उन्हें तो वैसे भी खुद अक्षय कुमार ने मजाक बनाने के लिए लिया है। और इसको वेलकम 3 क्यों बुला रहे हो? इसको हाउसफुल 5 या फिर हेरा फेरी 4 या फिर पागलपंती 2 या धमाल 4 क्यों नहीं बुला रहे? ये वैसे भी चल जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा। और इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर फिल्म कमिंग बोलने वाले अंधों को ये बताओ कि डायरेक्टर अहमद खान है, बागी 3 और ओम जैसी मूवीज उसने डायरेक्ट की हैं, और दो मेन लीड एक्ट्रेसेस को ठीक से हिंदी नहीं आती, कॉमेडी तो क्या खाक करेंगी। और जैसे ही अनाउंसमेंट वीडियो में खिचड़ी बनी हुई थी, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि फिल्म में इससे ज्यादा क्योस मचने वाला है, और इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ कॉमेडी के नाम पर बर्बाद और घटिया फिल्में हमने बहुत देख ली है। लिस्ट काफी लंबी है और रीसेंट का एग्जांपल है रोहित शेट्टी की सर्कस, और सच बताऊं ऐसी खिचड़ी खाकर ना उल्टा पेट में दर्द ही होता है। मैं इससे ज्यादा इस अनाउंसमेंट वीडियो की ना तारीफ नहीं कर पाऊंगी। अगर आपके पास कुछ है तो आप कॉमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वेलकम टू द जंगल का अनाउंसमेंट वीडियो कैसा लगा। And yes, do not forget to subscribe our channel. You can also follow me on Instagram. Mera Instagram handle hai WhatsApp Sakshi. Aap dekh rahe the Uncut.